हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी समेत अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा में महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि विगत 8 फरवरी को मल्लिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरह पत्थरबाजी और आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर को बताते हुए सिहर उठती हैं। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला कर हिंसा फैलाना और आगजनी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आयोग भी अपने स्तर पर सारी जानकारियां और साक्ष्य जुटाकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि जिन महिलाओं ने पत्थरबाजी की है उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। इस घृणित कार्य के लिए किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होके इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जाऊँ। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है, और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी है जो कि रात अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती हैं पहले तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी, और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। इन्हें ऐसी सबसे पहले बुर्खाधारी महिलाएं सामने आई थी, उनको क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, वो चिन्हित कीजिए पहले, तो जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग हैं उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है, तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, मेरी अभी बात हो रही है डीएम साहब से, हो रही है एसएसपी साहब से भी हो रही है, सभी से बात हो रही है कि ये लोग कोई छूटने नहीं चाहिए। सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं कि पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि मैं सबको, सभी अपनी बहनों को, जितनी भी हमारी महिला कर्मी हैं, कि आप स्वस्थ हो जाएं, आपने बहुत बड़ा काम किया है।